बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन चीज़ विद वेजिटेबल पराठा। जिसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरियाँ मैदा यानी कि वाइट आटा, 2 ही कटोरियाँ हमें चाहिए आटे की यानी कि सेम क्वांटिटी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसमें हम डालेंगे नमक, इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को अच्छी तरह गूंदेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना हम रेस्ट दे देंगे, ताकि इसकी जो डो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना बन जाए। हाँ जी, तो दोस्तों ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देंगे। कवर करके इसको हम रख देंगे। ये देखें, इसको जो है अब हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके इसको हम आधे 15 से 20 मिनट के लिए जो है कवर करके और अब रख देंगे, ताकि हमारा जो आटे की डो है वो बहुत अच्छे से जो है बन जाए। हाँ जी दोस्तों, अब जब तक हमारा आटा जो है वो डो जो है आटे की वो सही तरह से वो हो रही है, उससे उसके बाद हम जो है ना आटे को, तो अभी 15 से 20 मिनट है, अब जो है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो दही के लिए हैं, में मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी उसको डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें आप 1 टीस्पून ले लें और 1 टीस्पून ही जो है 1 से 1.5 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं और इसमें 1/2 टीस्पून जो है हमने ज़ीरा लिया, क्रश ज़ीरा। उस सब चीज़ों के अंदर हम अपनी चिकन को, बोनलेस चिकन को, ये 1 kg से ज़्यादा है तो इसको जो है हम मैरिनेट करके 5 to 7 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसको हम अच्छी तरह इसकी जो है मैरिनेशन कर लेते हैं, ताकि जो हमारा चिकन है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी हो। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको जो है ना अब हम 5 से 10 मिनट के लिए रख लेंगे। इतने में हम जो है ना अपने आटे को देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमारे चिकन को जो है मैरिनेट किए हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो ऑयल के डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है थोड़ा सा, हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। इसको जो है ना हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाएगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पराठे की डो बनाएंगे।
हाँ जी फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, इसका पानी जो है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये ऑलमोस्ट हमारा चिकन रेडी है। अब इसमें जो है मैं शिमला मिर्च और थोड़ी सी जो है ना बंद गोभी डालूँगी। वो आप ना भी डालें तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मेरे घर वाले पसंद करते हैं इसलिए मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी, पर मैं थोड़ी ही चीज़ डालूँगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूँगी और थोड़ी ही बंद गोभी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मैं इसको अब हिला दूँगी अच्छी तरह से ताकि ये जो है मेरी जो वेजिटेबल्स हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम अपना पराठा बनाएंगे और उसके अंदर हम इसको फिल करेंगे जो कि हमें बहुत ही यम्मी टेस्ट देगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको सोते करेंगे, उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार देंगे। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत यम्मी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो मुझे बना के आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। चलें जी, ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको उतार के चूल्हे से साइड पर रख लेंगे और अब हम बनाएंगे अपना पराठा। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी डो जो है कितने अच्छे से जो है ना ये राइस हो गई है। अब हम इसका पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये जो है हम ऑयली ग्रीस कर लेंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है ये हमारा डो तैयार हो गई है। अब हम इसका बनाएंगे एक पेड़ा। ये हमने इसका बना लिया दूसरा पेड़ा। चलो जी, इस पेड़े को जो है हम इसके ऊपर जो है अब मैं ऑयलिंग करूंगी, ठीक है। इस तरह से ऑयलिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है मैदा डाल दूंगी। वो मैं छुरी की मदद से यहाँ से ऐसे करके कट लगाऊंगी और ऐसे फोल्ड करते करते इस तरीके से ये हमारा जो है पेड़ा तैयार हो जाएगा। क्रीम लगाई है और फ्रेंड्स पीछे का जो शोर है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारे जो नेबर्स में है ना वो काम हो रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा प्लीज़। अब जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके उसको बनाया है, अब मैं उसको जो है इसके ऊपर डालूँगी ऐसे करके, थोड़ा
थोड़ा सा इसको जो है ना आप तोड़ के डालिएगा, ताकि जो है ना आपके पराठा वो सही से बन जाए। इसके ऊपर जो है मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी और थोड़ी सी चेडर चीज़ डालूंगी। ये जो मैंने पहले से बेल के रखा था, मैं इसके ऊपर जो है ऐसे करके इसको बंद कर दूँगी। इसके कॉर्नर्स को जो है अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी, ताकि ये जो है फूल ना सके। कांटे की मदद से जो है ना ऐसे प्रेस कर देंगे। इसको अब हम हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा जो पराठा है ना ये हो गया रेडी। अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। अब हम इसके जो है ना हम स्लाइस करेंगे और फिर घर वालों के रिव्यू लेंगे कि ये पराठा जो है उनको कैसा लगा और ये कैसा बना है। ये देखें, आ क्या पराठा है। बहुत ज्यादा गर्म है ये देखें जी। ये हमारा पराठा जो है ना ये हो गया रेडी और ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बहुत ज्यादा। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें से देखेंगे आप। खुद इसको ज़रूर ट्राई करिएगा घर में, ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और ये बच्चों को स्पेशली आप लंच बॉक्स में जो है उनको दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।